हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया के बारे में। आज है 26 जून और आज के दिन हमें तकरीबन 5% का तेज़ी देखने को मिला है वोडाफोन आइडिया में। और मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाला हूँ चार्ट के ऊपर लेके। वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रही है मुझे, और जिस तरह से कुछ पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेड कर रहा है आइडिया वोडाफोन, उसके ऊपर मैं अपनी राय देना चाहूँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आज के कारोबार की डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस डे की बात करें, प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 9.85 रुपये पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी। ओपनिंग की बात करें तो 9.80 रुपये पे ओपनिंग हुई थी। हाई की बात करें तो 10.75 रुपये पे हाई बनाया था। तकरीबन 8% का तेज़ी उस टाइम देखने को मिल रहा था। लो की बात करें तो 9.75 रुपये का लो बनाया है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 109,37,38,838 का हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। और डिलीवरी परसेंटेज भी 30% का हमें यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, और वहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, हम आइडिया वोडाफोन के चार्ट के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने चार्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। और मैं यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने आज के दिन एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरी चैनल पे, आप देख सकते हैं ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करता है, किस तरह से हम प्रॉपर ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्रेड लाइन के द्वारा हम किस तरह से पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में। हम हर तरह से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उस वीडियो को देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, जो इस स्टॉक में हमें आप वैसे देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टॉक रेंज बाउंड चल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते एक ए लाइन हो गया, और एक लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। एक अपना ए लाइन हो गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से इसी लाइंस के अंदर हमें वोडाफोन आइडिया मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हमें इसी लाइंस के अंदर, एक बॉक्स के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। या तो फिर अगर मंडे के दिन जिस तरह से आज मुझे तेज़ी दिखाई दे रही है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन शायद गैप अप ओपनिंग होके इस लाइन को ब्रेकआउट करके इस ऊपर के साइड में अगर सस्टेन करता है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। और इसी ये जो हाई बनाया था, इसी हाई के ऊपर हमें एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर ये अप गया, इस लाइन को ब्रेकआउट दिया, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है तकरीबन 12.5 या 13 रुपये के आसपास में। हम सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट इस लेवल पे देखने को मिल रहा है 8 रुपये के आसपास में। अगर मंडे के दिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डाउन साइड कुछ दिन ट्रेड करे और यहाँ से ब्रेकआउट दे सके डाउन साइड, तो यहाँ पे हमें 8 रुपये के आसपास में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हो इसी बॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। तो आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप जब आप देख सकते हैं अभी इस लाइन को टच किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेल साइड पोजीशन बना सकते हो। और यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे आप अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, फिर यहाँ से आप बाई साइड पोजीशन बना सकते हो, और फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कीजिए ही कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है और उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है। ठीक है, आप अपना एनालिसिस कीजिए खुद का। मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि इस तरह से इसमें पैटर्न मुझे दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए। ठीक है, और प्रॉपर टॉप लॉस के साथ लीजिए, फिर ऐसा ना हो क्या कोई एक साइड ब्रेक मतलब फॉल हो जाए, या तो अपसाइड या डाउन साइड फॉल हो जाए, या अपसाइड सर्किट मिल हो जाए, तो फिर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर टारगेट एंड टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
और हमारे चैनल पे आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।